जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो लास्ट वीडियो के दिन हम बात की थी कीवर्ड रिसर्च के बारे में। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लें। और इस वीडियो के दिन हम बात करने वाले हैं कि अब आपने कीवर्ड अगर रिसर्च कर ली है, आपने तकरीबन 50-100 कीवर्ड फाइंड कर ली हैं, तो अब आपने उसकी क्लस्टरिंग किस तरह करनी है यूजिंग चैट जीपीटी 4। और एक और बात है कि कीवर्ड रिसर्च के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो उसके लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आप तक पहुँच जाए। ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल चलते हैं, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ऑलरेडी। तो मैंने कीवर्ड एक जो है ना पहले सर्च कर रखा है इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो हमें कुछ कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे कीवर्ड्स चाहिए हमें। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ डू से जो कीवर्ड्स हैं वो निकाल लेता हूँ। डू टमाटोज, तो अब ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो मैं पिक कर रहा हूँ, ये बेसिकली लाइक वो कीवर्ड्स हैं जो सिर्फ आपको समझाने के लिए पिक कर रहा हूँ। डिटेल वीडियोस भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा और एक वेबसाइट भी आपके सामने लाइव बनाऊंगा कि इन कीवर्ड्स को चूज़ करके, तो इंशाल्लाह उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइम की वजह से जो है ना वो नहीं हो पाता। तो यहाँ से कुछ ये वाले कीवर्ड्स जो है ना पिक कर लेते हैं, यानी मुझे चाहिए कुछ 50 के अराउंड कीवर्ड्स ताकि मैं आपको उसका क्लस्टर बना के दिखा सको। तो फॉर एग्जांपल कुछ ये कीवर्ड्स आए हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। बहुत सारी वीडियोज़ आएंगे इंशाल्लाह, बहुत सारी। बस ये है कि टाइम की वजह से ना, इंशाल्लाह मैनेज करके तो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। काफ़ी सारे लोग दोस्त जो है ना वो कहते रहते हैं जी वीडियोस बनाया करें भाई, अगर शुरू कर ही दिया है तो बना लें, अब क्या दरमियान में छोड़ के जो है ना उसको बैठ गए। तो इसके साथ कुछ कीवर्ड्स यहाँ से लेते हैं इस तरह। चैट जीपीटी, बाय द वे मैं यहाँ पर चैट जीपीटी 4 को यूज़ करने वाला हूँ। चैट जीपीटी 4 यहाँ पर यूज़ होगा, अगर आपके पास है तो बेहतरीन, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। जो फ्री का चैट जीपीटी 4 है, 3.5 है, वो भी चलेगा, वो भी काम करेगा। अब चूँकि हमारे पास ऑप्शन है तो इसलिए 4 को यूज़ करते हैं। तो एक यहाँ पर और मैं यहाँ से जो है ना इस वर्ड के साथ चूज़ कर लेता हूँ कुछ कीवर्ड्स। कीवर्ड रिसर्च कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हाँ हो भी सकती है नए बंदों के लिए, बिगनर्स के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आप जब इसके ऊपर करते हैं 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल लगाते हैं, तो आपकी इसके ऊपर ग्रिप होती है रिसर्च पर, ठीक है। तो ये देखें जी, कुछ कीवर्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। अब यहाँ पर मैं इसको प्रॉम्प्ट देने जा रहा हूँ, दीज आर कीवर्ड्स ऑल अबाउट टमाटो, तो मैं तो सॉरी एक यहाँ पर आई स्टार्टेड, इसको कंप्लीट से गाइड करना ना आपने। आई स्टार्टेड न्यू वेबसाइट, न्यू निश वेबसाइट एंड दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू हैव फाइंड। इसको ऊपर कर देते हैं, दैट आई हैव फाउंड। इसको मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि डू यू अंडरस्टैंड, आगे इसको मैं कहना यस और नो, दूसरे बस इतना बताओ। अच्छा, हर बंदे का ना रिसर्च करने का तरीका अलग होता है। कीवर्ड रिसर्च करने का एसईओ के अंदर हर बंदे की स्ट्रेटजी अपनी अपनी होती है, आपको में भी ये इन चीज़ों का नॉलेज हो, तो इसलिए मैं हर चीज़ अपने मुताबिक करूँगा और जो मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ। बाय द वे मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मुझे कितना टाइम हो गया है एसईओ काम करते हुए, क्या क्या जो है ना वो काम किया है। और अच्छा,
अब यहाँ पर मैं इसको कहना है कि अब मुझे जो है ना क्लस्टर बना कर दो, ठीक है। नाउ आई एम कन्फ्यूज, सो आई नीड यू टू क्रिएट अ क्लस्टर फॉर दीज कीवर्ड्स, फॉर दीज कीवर्ड्स, दिस क्लस्टर शुड बी एसईओ फ्रेंडली, दैट हेल्प्स, एक्चुअली हेल्प्स सर्च इंजन टू अंडरस्टैंड माई कॉन्टेंट। अब देखिए आपके पास एक बड़ा खूबसूरत, बड़े अच्छे तरीके से जो है ना इसने पूरा एक क्लस्टर बना देना। तो ये देखिए अभी होगा क्या कि बेसिकली क्लस्टर बनाना एक कीवर्ड के अराउंड, लाइक आप एक मेन क्वेरी लेते हैं, ठीक है, तो उस क्वेरी के अराउंड जितने भी आपको इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स मिलते हैं आप उन कीवर्ड्स के ऊपर एक क्लस्टर बना देते हैं, उस मेन कंटेंट को पिलर बना के। बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर ही समझ आएगी। अब ये देखें अब इसको जितने भी कीवर्ड्स मैंने दिए थे ना तो उसने उसकी क्लस्टरिंग कर दी है। अब ये सारे के सारे डाटा को अपने उठाएं और एक्सेल शीट के ऊपर ले जाएं, ठीक है, और वहाँ पर जाके तो आर्टिकल राइटिंग शुरू कर दें। अब आर्टिकल राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है उसकी अलग से इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे और देखेंगे किस तरह आर्टिकल राइटिंग करते हैं उसके ऊपर। अच्छा, अब इन क्लस्टर को किस तरह करना है कि आपने इनकी कैटेगरीज बनानी है, ठीक है, और इस क्लस्टर के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपस में लिंक करने हैं, इस क्लस्टर के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपस में लिंक करने हैं, इस तरह करके लिंकिंग होगी। ये बड़ा बेसिक सा तरीका है, एक बहुत ही बेसिक सी जो है ना वो स्ट्रेटजी है कि आपके पास अगर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं तो आप उसका क्लस्टर बना देते हैं। और समटाइम यानी टमाटो के अराउंड जितने भी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, मेरा कैमरा उस तरफ है, स्क्रीन इस तरफ है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो जितने भी कीवर्ड्स हैं ना वो सारे के सारे आपने इस निश के अकॉर्डिंगली जो है ना वो कवर करने हैं। ये टॉपिक अथॉरिटी के अंदर भी चीज़ आएगी और क्लस्टरिंग के अंदर भी चीज़ आएगी, लोगों को इसके अंदर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन रहती है। लेकिन एक और चीज़ है कि इसके अंदर परमा लिंक जो स्ट्रक्चर है वो भी बनता है, लाइक वो एक हार्ड साइलो स्ट्रक्चर और सॉफ्ट साइलो स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर प्रैक्टिकली आप यूआरएल अपना पहले डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पर आपका पहले होम पेज होता है, फिर उसके बाद आपका मेन पिलर पेज होता है आपका, उसके बाद फिर आपका सब पेज होता है, और देन आप अपने सब पेज के अंदर जो उसके रेलिवेंट हैं वो अटैच करते हैं, और उसके जो मेन पेज आपने बनाया होता है मेन पेज के अंदर जो उसके रेलिवेंट हैं वो उसके अंदर कंस्ट्रक्चुअली और एग्जैक्ट टाइटल के साथ अटैच करते हैं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, लेकिन क्लस्टरिंग किस तरह होती है चैट जीपीटी 4 को यूज़ करके ये आपके सामने है। और अभी जो चीज़ मेरे जहन में थी वो मैंने बता दिया, आने वाले टाइम के अंदर 1-2-3 दिन के अंदर जो चीज़ मेरे जहन में आएगी मैं फ़ौरन से उसकी वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।